पूरी तरीके से है। इस नगीनापुरवा गांव थाना थान गांव इलाके में गौलोक ग्राम पंचायत का मजरा है, जहां पर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है अग्नि देव के कांड से। और तत्काल यहां पर अविलंब श्यौता के विधायक पहुंचे अपने लाव लश्कर के साथ, और अधिकारियों के द्वारा भी यहां पर उपस्थिति देखी जा रही है। तहसीलदार और SDM PL मौर्य अफसर प्रताप सिंह और पूरी तरीके से पूरी टीम यहाँ पर, फायर ब्रिगेड भी और थान गांव की चौकी की पुलिस मौजूद है। लेकिन हम बात करते हैं, यहां पर श्यौता के विधायक पहुंचे और SDM पहुंचे, लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा और क्या तत्काल में इनके खाने पीने की दो वक्त की रोटी की लाले पड़ गए, तन पे जो कपड़े पहने थे मात्र वही बचे हैं, फिर इन लोगों की क्या इमदाद यहां पर मौके पे की जा रही है, अब क्या बात है? जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मुझे जानकारी हुई इस गाँव में आग लगी और मैं यहाँ आया, हमारी SDM महोदय से बात हुई, DM साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई। चूँकि आज नामांकन का दिन था, चुनावी प्रक्रिया चल रही, तो ये लोग आज जोनल अधिकारी भी, नोडल अधिकारी भी हैं वहाँ के, चुनाव के कारण बिसवा नगर पालिका है और वहाँ के SDM है, इस नाते इनको थोड़ा आने में विलम्ब हुआ और DM से भी बात हुई, तो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई। और मैं सबसे पहले तो हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता और सारे गाँव वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ जिस तरीके से गांव के चारों तरफ बोरिंग और नल चला करके हमारी जो बहनें महिलाएं हैं उन्होंने भी, हम देख रहे थे किस तरीके से, और जैसे कि मैं आ गया था तुरंत, तो मैंने यही निवेदन किया किसी की जनहानि नहीं होनी चाहिए और ये प्रयास करें कि आपका पैसा जलता है जल जाने दो, कोई है कोशिश करो जानवरों को खोल दो, लोगों ने कहा, लेकिन कुछ लोग फांद रहे थे उनको भी रोका गया कि अगर इसके नाते करीब 15-20 बकरियां भी जल गई, लेकिन कोई गोवंश और भैंस, गाय भैंस कोई नहीं जली, इसको लोगों ने खोलने में सक्षम रहे। और ये देखिए अभी देख रहे हैं जेवर जल गया, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, पैसा लड़की की शादी के वक्त में रखा था, राम नरेश का इधर कोई पैसा लेकर के आया था, अभी महिला मिली थी उस साइड में जवाहर के, वो 20,000 रुपया उसके जल गए और कई लोगों के जले, क्योंकि ये गरीब लोग हैं बक्सा और जो इनकी वो होती है। फिलहाल जो नुकसान हुआ है इसके बारे में, फिलहाल इनकी सहायता राशि के बारे में, इनकी सहायता राशि पूरा जो शासन की मंशा है, योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेछत नहीं रहेगा। हम अपने SDM महोदय से, तहसीलदार साहब से बात हो गई, अभी टेंट यहीं पे लगने जा रहा है और टेंट लगेगा वहीं पे, खाने की भी लंच पैकेट मंगवा रहे हैं, फिर यहीं पे पूरा लंगर चलेगा, सब लोगों को खाने की व्यवस्था करेंगे, हर व्यक्ति को हम एक एक तिरपाल देंगे, 100 तिरपाल और 100 कम्बल अभी तत्काल मंगा लिए गए हैं, अभी 100 धोतियां भी मंगा ली जाएंगी कि जिनके दूसरी धोती बदलने के लिए नहीं, पूरा जल गया है महिलाओं के लिए, उनके लिए 100 धोतियां भी अभी हम मंगाएंगे, इनको हम व्यवस्था करेंगे। जैसा कि घर जल गए हैं उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी की सरकार में, वैसे भी मैं इससे पहले लगभग जो पिछले कार्यकाल में 27,219 लोगों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दिया है, इस बार इस कार्यकाल में एक साल अभी विधायक बने हुआ है, लगभग हम अपने पूरी विधानसभा की बात करें और रेवसा की बात करें तो रेवसा में भी 4800 लोगों को, रेवसा ब्लॉक में भी हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जिनके हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, अगर बाढ़ में घर गिरता है, आगजनी में गिरता है, तो उसको हमारे SDM और तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, आपदा राहत के कारण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास देंगे, मैं उस वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मिल करके भी आग्रह करूंगा और इनकी रिपोर्ट जाएगी तो इनको मैं मुख्यमंत्री आवास देने का काम करूंगा। और जो मानक है, जिनका पक्का घर है उसका जो मानक है कितना पैसा मिलेगा, कच्चा घर वाले कितना मिलेगा, जिनका छप्पर का फूस पतावर का मकान था उनको कितना मिलेगा, अनाज जिनका जल गया, कुछ लोगों का गेहूँ कट के आ गया था, कुछ लोगों का धान था वो हो गया, गैस के सिलेंडर कई दर्जनों सिलेंडर दगे हैं जो मोदी जी ने दिए थे लोगों के, रखे थे भरे हुए सिलेंडर थे वो दग गए, जिससे और भयावह स्थिति हुई है। मेरा कहने का मतलब, हर चीज़ का भी बता पाना संभव नहीं है, हर चीज़ का मानक है, सरकार की मंशा है, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को हम उस शासन की योजना देंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। जितने एक मानक है, बालिक होना अनिवार्य है, 18 साल से ऊपर का परिवार होता उससे जो भी होगा उस हर व्यक्ति को हम देंगे। जैसा कि विधायक जी, एक चीज और यहाँ पे उभर के आई लोगों की जुबानी की, कई घंटे 1-1.5 बजे आग लगी और फायर ब्रिगेड जो काफी देर से पहुंची, ये लोगों की जुबानी एक चर्चा का विषय बना और उनके ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। अगर लोगों का कहना है कि अगर समस्या आ जाती तो इतना भीषण अग्निकांड ना होता, लोग थोड़ा बच सकते थे, इसके लिए आपका अथक प्रयास से फायर ब्रिगेड भी बन रहा है और अभी तक वो कब तक लगभग इसके लिए जो है, देखिए क्या है कि कहीं से तो चूक हुई है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, हर प्रतिवर्ष मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले कार्यकाल में ही आदेश कराया था और फायर भी स्टेशन स्वीकृत हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं खरुआ में काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रतिवर्ष गर्मियों में एक रेवसा में गाड़ी खड़ी होती थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है, क्यों नहीं आई है वो जांच का विषय है, मैं मालूम करूंगा SDM। लेकिन हर वर्ष यहाँ पे थाने में एक फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था आप कराते थे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई वो, अब वो थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि
अब ये बताएं ना, ये सोचने का विषय क्यों नहीं है ये? क्योंकि अधिकृत है कि एक गाड़ी यहाँ पे हमने, जब से मैं विधायक बनाऊँ तब से मैंने हर वर्ष यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी, और ये हकीकत बात, अगर गाड़ी खड़ी होती तो इसे, हाँ, अब हो गया कहीं ना कहीं चूक हुई है इसको लेकर के, और वो आ जाएगी। बहुत अच्छी बात हमारे चैनल के साथ उपस्थित हुई है और जानकारी दी और लोगों के लिए इमदाद और काफी ढांचा बनाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तहसीलदार एसडीएम महोदय पीएल मौर जी हैं और तहसीलदार अफसर प्रताप सिंह हैं। फिलहाल यहाँ पे जो मौके पर 1:30 बजे आग लगी और अभी तक यहाँ पर इन लोगों की खाने पीने की क्या व्यवस्था आपकी तरफ से और क्या होगी, और लगभग कितने घर जले हैं यहाँ पर? सर, जैसे अभी तक आग बुझाने का काम मौके पर किया जा रहा है, अनुमानित रूप से 60-70 घर के आसपास जलने की सूचना मिल गई है, जैसा कि जो उन्होंने अभी बताया भी है। आरंभिक जांच में भी ये बात आई है, जैसे ही आग पूरी तरह से बुझ जाता है, यहाँ पे पूरे का टीम, राजस्व की पूरी टीम लगा दी गई है, टीम के माध्यम से एक एक घर का सर्वे कराया जाएगा। एक एक नुकसान का जो भी नुकसान होंगे, सारे नुकसान का जितना भी है उसको नोट किया जाएगा। इस तरीके जैसे मकान आग से मकान से प्रभावित हुआ है, लगभग आपके अनुमान से लगभग कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा यहाँ पे? सर, ये 2-4 घर को मैंने जो आप देखा है, सवाल को देखा है, उस हिसाब से मुझे लगभग 10-15 लाख के बीच में है। अच्छा, जिनके जेवर महिलाओं के गहने बहुत प्यारे होते हैं वो अक्सर जल गए, उनका क्या होगा? ये व्यवस्था पूरी जो है, जब तक पूरी तरह से सामान नहीं हो जाती है तब तक उनके खाने की, उनके जो है सभी जो आवश्यक, जैसा सर ने कहा है, विधायक माननीय विधायक जी ने, वो सब सारी व्यवस्थाएं दी। अच्छा है कि मतलब एक चीज़ और जानकारी लगे कि घर का आगजनी का क्या मानक है, एक घर को लगभग कितना मुआवजा मिल सकता है? वो कई श्रेणियों में है, उसमें कच्चे, जैसा सर ने बताया था अभी आपको, पक्के मकान का अलग है, कच्चे का अलग है, झोपड़ी का अलग है, कुछ की सूचित करने का अधिकार साहब को है, कुछ धनराशि सीमा तक नहीं है, उससे ऊपर का होगा तो जिलाधिकारी महोदय को है। इसमें मैं इतना कहूँगा कि 24 घंटे से अधिक का समय इसमें भुगतान में नहीं लगेगा, जो भी होगा आज ही फाइल बन जाएगी और कल भुगतान के लिए फाइल। ठीक है, अब तहसीलदार साहब से बात करते हैं कि जो इसका मानक है, जैसे कि एसडीएम महोदय ने बताया कि इसका ये आप तय करेंगे, तो इसका लगभग एक झोपड़ी का और पक्के मकान का कितना होता है लगभग? अलग अलग मानक है और अभी तो पूरा सर्वे हो जाए, सर्वे होकर के पूरी फाइल बन जाएगी और कल तक भुगतान के लिए चली जाएगी, तो जैसा सरकार निर्देश है माननीय विधायक जी का और एसडीएम सर का, उसके अनुसार हम लोग सारा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और सारी व्यवस्था जो सम्यक व्यवस्था हो सकती है, जो उपाय हो सकता है, हम लोग उसके लिए तत्पर हैं और यहीं पर मौजूद रह करके करेंगे। अच्छा अच्छा सर, एक चीज़ और जानकारी लेंगे कि अभी तक लोग भूखे प्यासे पड़े हैं और अभी तक अभी आप लोगों ने कहा कि व्यवस्था हो रही है। देखिए, पहली प्राथमिकता आग बुझाना था, अगर आग अगर हम नहीं बुझा पाते, फसल खड़ी हुई है, फसल में लग जाती थी, और हर आदमी, पहली प्राथमिकता जान बचाना, दूसरी प्राथमिकता आग बुझाना। हम सबकी जान बचा लिए, हमारा कोई मानव का नुकसान नहीं हुआ, आग पे काबू पा गया, आग बुझाई जा रही है, एक एक आग का तिनका बुझा दिया जाएगा, 4-4 नॉजुल चल रहे हैं, 2-2 मशीनें चल रही हैं और सारे अधिकारी हमारे लगे हुए हैं। अब बाकी एम्बुलेंस भी आ गई, जो लोग झुलस गए हैं उनको भी हम इलाज भी करा रहे हैं, और जो भी है मानक के अनुरूप सबको दिया जाएगा, कोई वंचित नहीं बचेगा। काफी लोगों के दिलों में बस गए, धड़कनों में बस गए, जैसे ही आगजनी की कांड की घटना सुनी, तत्काल यहां पर पहुंचे अधिकारी और श्रोता के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से एक लोगों की जुबानी छा गए, जो कभी इसके तत्कालीन में कभी नहीं देखा था, और हर जगह आज यहाँ पर पहुंचे श्रोता के विधायक और अपने लाव लश्कर के साथ और काफी इमदाद, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक इन लोगों को राहत नहीं मिल जाती। पूरी बातचीत क्या है? क्या नाम है? सावित्री, पिताजी का है? सरजू, कि एक वास्तव में तस्वीर यहाँ नजीर पेश हुई कि जरा देख सकते हैं किस कदर से इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि पूरी वर्दी का ख्याल नहीं रखा, वर्दी भीग गई इस कदर से। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस कदर से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं और वर्दी का बिल्कुल लथपथ हो गई, लेकिन लोगों के आग पर लपटों को बचाने के लिए जी जान से जुट गए, जरा भी जान की परवाह नहीं की, जो आप देख सकते हैं किस कदर से मेहनत और लगन उनकी, जो वास्तव में एक नजीर बनके पेश की है। यहाँ पर पूरी तरीके से पाइप खुला और पूरा वर्दी फट तक गई है यहाँ तक, और पूरी भीग गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से अपने वर्दी फटी हुई और चोटिल भी हुई है लगभग।
जैसा देख रहे हैं आप पूरी तरीके से ये है, और इनका नाम है फजल, और अभी इन्होंने गौवंश की जान भी रहे उस समय बचाई थी। ये वही कर्मचारी हैं अभिषेक के साथ में, पूरी वर्दी इनकी देख सकते हैं किस कदर से मेहनत की है इस नगीना पुरवा में, जो देखते ही बन रहा है। वास्तव में इनकी सराहना जितनी भी की जाए वो कम है, और काफ़ी लोग उस मेहनत को और खोल भी निकला है काफ़ी जो देख रहे हैं। दाल अभी यहीं पर उपलब्ध कराने की बात कही और पूरी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं एसडीएम महोदय और तहसीलदार, जैसा कि देख रहे हैं पूरी तरीके से ढांचा बना रहे हैं कि सारी इस नुकसान की भरपाई की जाएगी पूरी तरीके से, जो है बेफिक्र रहिए एसडीएम पीएल मौर जी बोले और तहसीलदार पूरी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं। एक एक चीज़ की नुकसान का भरपाई करने की बात कही है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। दो दो फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने के लिए जो आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौके पर तैनात हैं।